मुकेश, ये दुनिया वाले हर दशहरे पे आपको जलाते हैं, फिर भी आप हर साल जिंदा कैसे हो जाते हो? मैं आग से जलता नहीं, कुछ रिश्ता है मेरा आग से, आग मुझे जलाती थी। राइट सो गाइस, यार मेरा नाम है रोहित, भाई आप देख रहे हैं आरएम व्लॉगर्स। अब फाइनली मैं आ चुका है एक और न्यू वीडियो के साथ में, और भाई स्वागत है आप लोगों के चैनल पे। सो आज मैं आप लोगों को लेकर के जाने वाला इंदौर के भाई टॉप 5 बेस्ट रावण दिखाने। सो काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा वीडियो के साथ में, एंड तक बने रहना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और क्योंकि मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आज इंदौर के सबसे टॉप 5 बेस्ट रावण और वहाँ पे ले आकर को दिखाऊंगा और उनकी जो रैंकिंग बताऊंगा आप लोगों, लाइक कौन सा रावण किस टाइप का दिख रहा है और सबसे बेस्ट रावण कौन सा है। सो चलो चलते फटाफट से और चेक करते हैं। ऑल राइट सो गाइस, यार फाइनली हम लोग आ चुके हैं हमारी फर्स्ट लोकेशन पे। तो हमारी फर्स्ट लोकेशन है भाई ये छावनी इंदौर का। सो देख सकते हो मेरे पीछे हम लोग आए थे, लेकिन भाई यहाँ पे तो रावण बिचारा अभी तक अपने पैरों पे ही नहीं खड़ा हो पाया है, पैरों पे भी खड़ा नहीं होता था इसको, तब से जानता हूँ मैं रावण को, समझ रहे हो? मतलब हाँ मतलब उसको गुस्सा नहीं आ जाए, मतलब लाइक भाई माफ़ कर देना, लाइक हम लोग थोड़े से चंचल है। चंचल है, चंचल है तू, कतई चंचल आनी हो रहा है, चंचल चंचल थोड़ा। हम लोग तलवार वगैरह भी उसके आस में, तो काफ़ी सही लग रहा है। और अभी जो कंप्लीट नहीं हुआ, अभी बता दो आप लोगों को, पूरा कंप्लीट तो हुआ नहीं आला रावण, और हम लोग आ ही गए पहले, तो लाइक कोई ना, अभी हम पे लाइक इसको खड़े होने में थोड़ा हमको लग रहा है टाइम लगेगा, लाइक अभी पेड़ वगैरह में कुछ भरा वगैरह नहीं, घास वगैरह नहीं भरी, कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ तो भाई यार यही था वाला रावण आपको दिखा दिया हम लोगों ने। सो चलते हैं हमारी फटाफट से नेक्स्ट लोकेशन पर, वहाँ पर जाके आपको दिखाते हैं कि वहाँ का रावण कैसा है। सो चलो चलते हैं। ऑलराइट सो गाइस, फाइनली हम लोग हमारी जो सेकंड लोकेशन भी, जो कि हमारी सेकंड लोकेशन है भाई चिवन बाग इंदौर का। सो मेरे पीछे देखोगे तो काफ़ी सही रावण है, लाइक यहाँ का भी इसकी जो हाइट है लगभग है 45 फीट, मतलब 45 फीट के समथिंग इसकी हाइट है। और भाई लाइक काफ़ी सही लग रहा है मेरे को, कलर वगैरह बताऊँगा तो काफ़ी प्यारा लग रहा है मेरे को तो देखने में, मतलब क्रश हो गया रहेगा इस रावण मेरे को। ठीक है, तो काफ़ी सही है। और यहाँ का जो टाइमिंग वगैरह लगभग 9:30-10 बजे के समथिंग का यहाँ का टाइम है बाकी थी, और यहाँ पर भी लाइक काफ़ी ज़्यादा भीड़ आई है, काफ़ी ज़्यादा टाइम बचा है। शूज है 80,000 के, तेरा घर जाएगा इसमें, तेरा घर इसमें चले जाएगा पूरा, शूज देख। हाँ तो यार ये थे हमारी सेकंड लोकेशन, अब चलते हैं हमारी फटाफट से थर्ड लोकेशन की तरफ, जो कि हमारी थर्ड लोकेशन वाली इंदौर का रामबाग। तो चलो चलते हैं फटाफट से। ऑलराइट सो गाइस, फाइनली हम लोग हमारी जो है थर्ड लोकेशन पे, जो कि हमारी थर्ड लोकेशन है भाई इंदौर का रामबाग। तो यहाँ पे देखोगे तो भाई काफ़ी बड़ा रावण यहाँ पे भी लाइक देखने को मिल रहा है, और काफ़ी बॉडी बिल्डर बना रहेगा, और काफ़ी बेस्ट कलरिंग वगैरह देखो तो, और जो हेड वगैरह सारा एकदम प्रॉफिट बना रहेगा, एकदम प्रॉपर लग रहा रहेगा। तो भाई ये है यहाँ का जो टाइमिंग वगैरह जलाने का, यहाँ का टाइमिंग है लगभग 9 बजे का समथिंग, मेरे को भैया ने बोला 9 बजे का यहाँ का टाइम है। और इसकी जो हाइट है लगभग, देखो भैया तो 81 बोल रहा है, लेकिन मेरे को पता ना भाई कितनी हुई चाहिए था, 35 या 40 के समथिंग, 40 फीट के समथिंग इसकी हाइट है पूरी, ऊपर नीचे से लेकर ऊपर टॉप तक। तो बाकी सब ज़्यादा बताते हैं, मैं समझ गया भाई, अब मैं इनके हिसाब से नहीं बोलता, मैं अपने खुद का अंदाज़ा लगा के बोल रहा हूँ आपको कितनी किसकी हाइट होगी। ये लगभग 45 के समथिंग इसकी हाइट है, और काफ़ी सही लग रहा है लाइक। हाँ तो भाई यार फाइनली अभी हम लोग यहीं पर रामबाग में ही थे, और हम लोग जा रहे थे सेकंड लोकेशन के लिए, निकल रहे थे थर्ड लोकेशन के लिए, पर यहाँ पर पानी आ गया हमारा, देखते तो पीछे की साइड में पानी चालू हो गया, कैसा लग रहा? निकित ब्रो गीला 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 फील हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, पानी चालू हुआ गीला हो जाएगा तो फिर जलेगा ये पन्नी चढ़ा रही है, पेंट है वो। अच्छा ऐसा वाटर प्रूफ वापस वंस मोर क्या ये वाटर प्रूफ। और राइट सो गाइस, यार ये थी हमारी थर्ड लोकेशन आज की। सो चलते हैं हमारी फटाफट से फोर्थ लोकेशन पे, और वहाँ पे चल के आपको दिखाते हैं। सो रावण जी ऑल द बेस्ट, बाय बाय। ऑल राइट सो गाइस, यार हम लोग पहुंच चुके हैं हमारी फाइनल फोर्थ लोकेशन पे, जो कि है भाई इंदौर का दशहरा मैदान। सो मेरी तरफ देखोगे तो भाई लाइक यहाँ पे मतलब काफ़ी सही है, मतलब माहौल वगैरह मेरे को मज़ा आता है, लिटरली यहाँ पे आके मेरे को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता रहेगा इंदौर में। सो अभी यहाँ पे आगे अलग वाइब आ रही है, तब तो हम लोग आलसी हो रखे थे, जहाँ जा रहे भीड़ नहीं है इतनी, पब्लिक नहीं है। तो अभी हम लोग यहाँ पे दशहरा मैदान पर, यहाँ पे मतलब देखो ना तो भाई बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा चहल पहल है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और मेरे पीछे भाई यहाँ का रावण है, तो आ जाओ मेरे साथ में, चलो चलते हैं रावण देख के आते हैं। हम तो दरअसल यहाँ पे अनिकेत के लिए भाभी देखने आए।
ऑलराइट सो गाइस, ये रहा मेरे पीछे की साइड में इंदौर का दशहरा मैदान वाला रावण, और इसकी कंडीशन देख के मेरे को ऐसा लग रहा है कि नहीं ब्रो, मेरे को ना इसकी कंडीशन देख के ऐसा लग रहा है जैसे नवरात्रि में इसने व्रत किए थे। डाइटिंग वगैरह पे गए रहेगा। सो ब्रो, मेरे साथ में पीछे की साइड में जस्ट अभी वाला दशहरा मैदान वाला रावण है, लाइक इसकी कंडीशन देख के मेरे को सच में ऐसा लग रहा है कि जैसे ना वो इसको ना 9 दिन तक उपवास वगैरह कराया रहेगा, इसलिए बेचारा था बदला वगैरह का, बॉडी बिल्डिंग कटिंग वगैरह में चल रहा था। वैसे भी फिर भी काफ़ी सही है, देखो तो नॉर्मली ठीक ठाक है। लाइक अभी तक जितने भी देखे उसमें मतलब जो इसको अच्छा बनाने का ट्राई किया, लाइक बॉडी वगैरह एप्स वगैरह और हाथ में मस्त छतरी वतरी तलवार वगैरह दे करके, बट लाइक वैसा नहीं लग रहा, थोड़ा चौड़ा ज़्यादा होना चाहिए, और ना खाली बस एक सामने से फ्रेम है बस ये। अभी बना नहीं रहे हो क्या? बना रहे हो क्या? बहुत हार्ड, गरम गरम। अंकल एक बार जोर से। बहुत बढ़िया, कैसा लग रहा है टेस्ट? मस्त, awesome, एक नंबर। लाइक करो, शेयर करो, लाइक करो, शेयर करो भाई को। ऑल साइड। तो ब्रो अभी यहाँ पे हम लोग थे, लाइक यहाँ पे ना मतलब काफ़ी सही, मतलब रावण से देख ले क्या देखने का, रावण तो आप लोगों को दिखा दिया मैंने, नॉर्मल सा सिंपल सा रावण, एकदम सिंपल सा नॉर्मल सा, बट ठीक है रावण भाई जैसा भी, लाइक मैं तो किसी सबको अप्रिशिएट करूँगा लाइक, ठीक है। और अब बात रही हमारे फिफ्थ नंबर के रावण की, तो फिफ्थ नंबर पर हमारे जो रावण आ रहे हैं वो सारे रावण इंदौर के, लाइक जो हमारी गलियों में या जहाँ पे भी जो हमको रावण दिख रहे रहेंगे। बढ़िया, एकदम मस्त है भाई। और रैंकिंग आप लोगों को अगर बताऊं मैं तो भाई देखो, मेरे हिसाब से तो कोई रावण को कम बताना, अच्छा बताना, बुरा बताना वो अपने ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि लाइक हम किसी को अच्छा बता दे, किसी को बुरा लगता है, भाई सबके ऊपर मेहनत रहेगी, सबका कुछ ना कुछ मेहनत रहती है, तो लाइक हम किसी को ऐसा नहीं बोल सकते कि अच्छा नहीं, एकदम बेकार है, एकदम ऐसा है, ठीक है भाई ये भी काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी बढ़िया, मैं तो अप्रिशिएट करूँगा इन लोगों को, लाइक काफ़ी बढ़िया मेहनत करेंगे, काफ़ी अच्छा बनाए रहेंगे, लाइक इतने लोगों को मिलने का मौका मिलता है, इतने लोग आते हैं, आप घूमते हो तो ना मजा करते, यही बहुत है ना, राउंड कौन मैटर करता है, राउंड मेरे को तो नहीं लगता मैटर करता है ना, लाइक वो तो मर चुका है, ठीक है, देखो जरा इधर, ठीक है, एरिया देखो, बाकी एरिया देखो, भीड़ देखो, यहाँ पे लोगों को देखो, स्माइल्स देखो इतनी सारी, तो वो ज्यादा बेटर लगता रहेगा। ऑलराइट सो गाइस, यही था स्टूडियो, होप लोगों को वीडियो मजा आया, मजा आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर खास करके अगर इंदौर से देख रहे हो तो भाई शेयर जरूर से करना और सब्सक्राइब कर लेना भाई, लेकिन इंदौर से रिलेटेड काफी सारा कंटेंट हम लोग देते रहते हैं, सो इंदौर से हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना और शेयर कर देना, ठीक है। और कमेंट करके बता सकते हो कैसा लगा आप लोगों को, आप रैंक करना चाहते हो आप अपने हिसाब से रैंक कर सकते हो, लाइक हमने बोला जैसा कि रैंक हम लोग नहीं करना चाहते, लाइक टॉप 4 हमने आपको दिखा दिए थे, बात करें अगर तो मैं किसी को रैंक नहीं करना चाहता, फर्स्ट बात तो है क्योंकि लाइक है ना सबकी मेहनत है, सबके पीछे कुछ ना कुछ लगा, अपन हमने खुद ने कुछ लगाया नहीं, खुद ने कुछ करा नहीं, बस जाकर के देखना है और लोगों को जाकर के बोलना अच्छा नहीं लगता लाइक मेरे को, ठीक है। सबने बढ़िया करा, सबने अपने हिसाब से मेहनत की, सबने बहुत मेहनत लगती है, ठीक है, बनाने में छोटा है बड़ा जो भी हो,
तो मैं सबको अप्रिशिएट करता हूँ, सब बढ़िया था। और आप लोगों को वीडियो मजा आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल में सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, एक बार लास्ट टाइम। सो मिलता हूँ तब तक के लिए, बाय।